Assalamualaikum sir, thank you so much for your time. Welcome, thank you for having me here. And so how are you? I'm good. अच्छा मुझे बताएं सर Nerdware Tech क्या है? And ये नाम कहाँ से आपने सोचा? Okay, so Nerdware Tech is basically a software company. And Nerdware दो नामों से हमने इसको hybrid किया. कंसेप्ट नर्ड हम प्रोग्रामिंग में क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हमारे टीम में हम डेवलपमेंट का काम होता है प्रोग्रामिंग का काम होता है तो नर्ड हम उस शख्स को कहते हैं जो ही लव्स टू प्रोग्राम और वो हर टाइम अपने लैपटॉप के आगे बस पढ़ाई काम 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 फ्रॉम सॉफ्टवेयर हमने नर्डवेयर बना दिया सो आप लोगों ने वर्ड्स जंक्शन सो या बिकॉज़ इट रिलेट्स विद आवर विजन राइट सो दिस वाज द रीजन क्या है विजन क्या है Vision is can't put it into words right now because vision is something very long term. Yeah, I can talk about our mission right now. It is basically we want to contribute in the IT sector. We are working really hard and developing our products. And right now, our company has, mashallah, more than 9 products which are actively using being used by our clients. Across Pakistan and internationally as well. Products kya hai? Products we are working in different domains, starting from schools to hospitals to corporate sectors, and yeah, working with a lot of domains, business domains. Yeah. Different business domains. Yeah. तो आइडिया कहाँ से कब स्टार्ट किया था आपने Nerdware? I started it when I was in my 5th semester. Okay. So after my final exams, तो summer vacations चल रही थी उस time. So yeah, I came back from my home so that I can apply for the internships. क्योंकि हमारी degree की requirement भी होती है, तो मुझे internship चाहिए थी. तो me along my partner Ibrahim, हमने कोई भी एक company नहीं छोड़ी होगी Islamabad की. हमने कल हम सुबह जाते थे रात को आ जाते थे और पूरा दिन बस सीवीज ड्रॉप करते रहते थे बट आई नेवर रिसीव्ड एनी कॉल टिल दिस डेट सो वी ट्राइड ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स लेकिन जब हमें कोई भी उम्मीद उस साइड से नहीं नजर आई देन बस एक ख्याल से कोई आपको कॉल नहीं आई नहीं अभी तक तो नहीं आई अब शायद आ जाए इंटरव्यू देखने के बाद तो या तो स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ था कि एक आइडिया आया था जहन में हमारी यूनिवर्सिटी का जो इंक्यूबेशन सेंटर है तो उनका वो एक कोहोर्ट की एप्लीकेशंस ले रहे थे कि कम अप विद योर आइडियाज़ उसमें कुछ फिगर्स भी मेंशन थी मॉनेटरी प्राइजेस थे जिस चीज़ ने हमें अट्रैक्ट किया एंड आई थिंक कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने कुछ मैंने खास तौर पे कि वो सोचा उसके बारे में कि ये स्टार्टअप करने के लिए जो आपकी इंस्पिरेशन थी वो इंक्यूबेशन सेंटर था एग्जैक्टली क्योंकि हमने स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए तब सोचा था ठीक है टू कम अप विद सम आइडिया कि कोई आइडिया हो 2-4 दिन सोचते रहे थे फिर एक आइडिया जो बहुत ज़्यादा क्लिक किया था मुझे भी मेरे पार्टनर्स को और दोस्तों के साथ शेयर किया था उन्हें अच्छा लगा था तो हमने फिर ये सोचा कि नहीं हमारा आइडिया अच्छा है हम इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं जाएंगे इट वाज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर स्कूल्स ओके या लेकिन वो उस तरह की मेंटालिटी उस टाइम ये थी कि फिर हमने कहा कि नहीं आइडिया हमारा बहुत अच्छा है वी विल नॉट गो फॉर द इंक्यूबेशन हम खुद स्टार्ट करते हैं अच्छा तो हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर स्टार्टअप ओके तो लेकिन उस पे आई विल टेक बोथ ऑफ दीस थिंग्स अलोंग या अंडर द रूफ ऑफ Nerdware Tech आई वांटेड कि मैं स्टार्टअप को भी साथ साथ लेके चलूं लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया हमने एग्जैक्टली क्योंकि जब हमने अपनी ऑफिस स्पेस ली थी फर्स्ट हमने जब रेंट उसका पे कर दिया था तो हमें उस टाइम नहीं कुछ पता था कि हमने क्या काम करना है सोचा यही हुआ था कि स्टार्टअप पे काम करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं तो हमें और आइडियाज़ आए हमें इस सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आई थी तो फिर हमने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया सो यू थिंक पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर का स्कोप है क्योंकि बड़े डिमोटिवेटेड होते हैं स्टूडेंट्स कि ये इसका स्कोप नहीं है उसका स्कोप नहीं है ओके एज फार एज द स्कोप इज़ कंसर्न्ड जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है इसको हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से नहीं बात करते हम इंटरनेशनली बात करते हैं क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव एनी लिमिट्स
क्योंकि हमारा आईटी का जितना भी काम है वो ऑनलाइन होता है. हमें क्लाइंट से जो हमने रीच आउट करना होता है वो भी हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं. फिर थ्रू सम कोलैबोरेशन टूल्स हमारी टीम भी वर्चुअली काम कर रही होती है. तो हमें फिजिक डेमोग्राफिक्स डिपेंड नहीं कर रही हमारे काम में. तो क्योंकि जितने भी फ्रीलांसर्स जितने भी काम करते हैं आईटी के डोमेन में वो घर बैठ के काम कर रहे होते हैं. कोई कनाडा के लिए काम कर रहा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया के काम कर रहा होगा. तो पाकिस्तान आई गेस के पाकिस्तान में स्पेसिफिकली क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर का? स्टूडेंट्स अगेन बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं. ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर बिजनेस की बात करूं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बहुत हमारे पास स्कोप है. स्कोप का वर्ड हमने यूज़ किया क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कम आती है. क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जितनी भी एचआर जो हम ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारी उसकी कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़. और अगर इंडिया की भी यही एक वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से इंडिया आईटी में बहुत आगे निकल गया, ग्रो कर गया, क्योंकि वहाँ पे भी एचआर कॉस्ट हमें कम पड़ती है. तो जो हमारी क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान से नहीं निकलती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के नहीं है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर बाहर ममालिक में जहाँ पे एक्चुअल जो मेजर जो रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं सॉफ्टवेयर की, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो टू आउटसोर्स देयर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर. तो आई थिंक देयर इज अ वेरी पॉइंट है हमारे पास. एग्जैक्टली, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है. अच्छा, ये जो आपकी पूरी कंपनी है इसको कितना टाइम हो गया? इट्स बीन मोर देन वन एंड अ हाफ ईयर नाउ. सो यू स्टार्टेड ऑफ इन योर 20s, राइट? फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था. या आई वाज 20 एट दैट टाइम. या सो इस पूरे जर्नी में जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी किससे रिलेटेड है, उसमें कोई फनी इंसिडेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जो आपको हमेशा हंसाता हो, या यू नो जो एक सबसे हाईलाइटेड मेमोरी आपकी? ठीक है, द मोस्ट फनी पार्ट of not the company but the entrepreneurship is कि जो पहले भी होता था अभी भी होता है कि जिस तरह क्लास में बैठे हों तो क्लास में टीचर्स के साथ क्योंकि अच्छा एक रिलेशन है काफ़ी तो वो वहाँ पे हम हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं, सीईओ साहब हैं, तो वो फिर पूरी क्लास के लिए एंटरटेनमेंट भी बन जाती है. एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सीईओ आ रहे हैं, तो वो आपकी पहचान बन गई एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो फ्रेंड सर्कल में भी एक ये चीज़ एक टॉन्ट भी पड़ जाता है और उनको एक एंटरटेनमेंट का मौका मिल जाता है इस चीज़ पे. इज इट लाइक सक्सेसफुल जो अभी तक आपने किया है? हैव यू अचीव्ड सम ऑफ योर गोल्स? या सम ऑफ देम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरी सिंगल डे वी फेस अ न्यू चैलेंज. व्हाट आर द चैलेंजेस? ओके, आई विल टेल यू अबाउट इट. हमें बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि यार आज मुझे लग रहा है कि आई एम गुड इनफ, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता लग गया. हो सकता है कि आज शाम में मेरी किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो, क्योंकि हमारी आईटी की बहुत एक वास्ट फील्ड है. तो हम ये नहीं कह सकते कि यार, मैं ये नहीं कह सकता आई एम सक्सेसफुल इनफ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज होता है, उसके लिए उसके पीछे हम लग जाते हैं. कल किसी और बंदे से मुलाकात होती है. क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? In business? Business and everyday challenges. It was tough in the starting के studies के साथ साथ manage किया जाए, लेकिन उससे भी जो बड़ा चैलेंज होता है वो फोकस का होता है, क्योंकि मी और मेरे हवाले से बहुत distractions होती हैं. और हर youth के हवाले से, हर graduate के हवाले से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई रिसेंटली केम टू दिस कंक्लूजन के एक टाइम पे आप एक काम ही कर सकते हो, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते. बहुत ज्यादा मैं अगर फोकस्ड हो तब भी डीफोकस्ड. एग्जैक्टली, आई कांट बी बेस्ट इन ऑल एवरीथिंग. तो इसमें क्योंकि होता ही है ना कि देखे मैं यहाँ पे भी कोई काम कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ. मैं वो कहते हैं ना फिर के माइंड डाइवर्ट. एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होगा कि ना मैं ये काम अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, ना मैं ये काम कर पाऊंगा. आई थिंक मैं भी ये फेस करती हूं. तो जब मैं किसी एक चीज में बेस्ट नहीं बन सका तो फिर मैं उन दोनों चीज़ों को बुरा भला कहने लग जाऊंगा. तो हमारे इस टाइम सोसाइटी का भी यही मसला है कि हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करते. ठीक है, अपने काम पे फोकस नहीं करते. हम हर चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट हो जाएं, और जब हम किसी में भी वो अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर पाते तो हम फिर पाकिस्तान को बुरा भला करके आई थिंक ये एक ऐसी भी एज है जहाँ पे हम कभी कभी इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं हम ये भी करें वो भी करें. इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, मेजर फैक्टर. मैं काफ़ी अर्से तक मैं ये भी करूँगा लेकिन बट आई हैव रियलाइज्ड
recently کہ میں نہیں کر سکتا اور اگر میں کر رہا ہوں تو میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا سو یا آئی ہیو لیفٹ مینی آف مائی ادر ایکٹیویٹیز جسٹ بی فوکسڈ کہ میں اس کام کے اوپر فوکس کر سکوں ہاں جب اس کو میں اس مقام پہ لے جاؤں دین آئی کین یو نو سٹارٹ اے نیو تھنگ گیو اٹ اے ٹرائی کہ میں کچھ اور بھی کر لوں 100% دینے کے لیے ایگزیکٹلی یا آفٹر سرٹن آلموسٹ 2 years دو سال کے پیریڈ میں آپ نے یہ بات سیکھی جی کافی کچھ سیکھا بٹ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی تھنک فوکسڈ رہنا تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ بہت زیادہ ڈائیورٹڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کس کس نے سپورٹ کیا آپ کو یہ جو ایک آئیڈیا تھا ہوتا ہے نا فیملی ہوتی تم کیا کیا آئیڈیا لے کے آگے فضول سا گھر والے کہتے ہیں دوست کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے بہت دفعہ ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے نیردوئر ٹیک کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اور اگر کوئی بھی ایک نیا آئیڈیا جب ڈسکس کرتے ہیں ہمیں ڈسکس کرنے سے پہلے ذہن میں یہ چیز بٹھا لینی چاہیے کہ پیپل ول لاف ٹھیک ہے آپ کا مذاق بنے گا آپ کو ٹانٹس ملیں گے بٹ یو ہیو ٹو فیس اٹ بیکاز اٹ از ریئلٹی یا وی کین ناٹ ڈینائی اٹ تو کیا فیملی نے کیا سب کچھ کاس کس کس نے زیادہ تر آپ کو کہا کہ یو کین ڈو اٹ یا کس نے سپورٹ کس نے کیا تھا سب سے زیادہ یہ بتائیں مائی فیملی آلویز سپورٹڈ می مائی فادر آلویز سپورٹڈ می آئی ایم دا فرسٹ ون ان مائی فیملی جو یونیورسٹی کے اندر آیا خاص طور پہ آئی ٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ اب یہ ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے آبویسلی بیکاز مائی فادر واز ناٹ ان فرام دا ٹیک ٹھیک ہے تو بٹ ہی سپورٹڈ می ٹو دا بیسٹ آف واٹ ہی کین جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کبھی مجھے یہ کسی چیز سے روکا نہیں کہ اگر میں نے میں نے نیردوئر ٹیک سے پہلے ایک دو وینچر اسٹارٹ کیے تھے ان وچ آئی فیلڈ بیڈلی میں نہیں بتا رہا تو ان وچ آئی فیلڈ بیڈلی لیکن اس کے بعد جب تیسری دفعہ ابو کو جب میں ابو سے چیز ڈسکس کی کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو اب مائی فادر سیڈ جسٹ گو فار اٹ اینڈ ٹل دس ہی کیپٹ بیلیونگ ان یو یا he believed in me and he trusted me wo ye chahte wo har dafa wo ye sirf chahte the ki main I should give it a try jo kuch bhi main chah raha hu whatever the circumstances I face but at least I should give it a try if in case I fail it's okay acha tell me one thing that you believe has kept you going on ki ek wo aisi cheez jo aapko lagta hai aapko baaki logo se different banati hai ki ha aapne jo kar liya تو اس کی کیا وجہ ہے پیچھے کہ آپ نے کہا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں آئی تھنک 7 billion لوگوں میں سے آئی تھنک 1000 لوگ ہوں گے جو ریکگنائزیبل ہوں گے جن کی پہچان ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز کون سی ہوتی ہے ضروری یا آپ میں ہو جو یو تھنک کہ اس کی بنا پہ یا اس کی وجہ سے آپ آگے یو گرو اینڈ یو ایوالو اٹ از بیسیکلی آئی تھنک ٹو موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از دیٹ فرسٹ آف آل آئی ایم ہنگری یا for achievements for accomplishments and for success ke mujhe bas ek it's a thought process jisko hum growth mindset bhi kehte hain that whatever the circumstances will I will keep on striving and I will keep on struggling and that believe that one day I will achieve it so this is you, you always had this belief ke ek din main kar lunga yeah اچھا جب آپ بالکل فیل ہو جاتے ہیں یا بہت ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں کیسے کوپ کرتے ہیں اپنا وہ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں دوبارہ کیونکہ ہوتا ہے نا ایک دن ہم کہہ رہے تھے ہم نے کرنا ہے دوسرے دن ہم کہتے ہیں نہیں میں کہاں پھنس گیا ہوں ہوتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ جو بندہ کہتا ہے کدھر پھنس گیا ہوں میں ہاں تب کیا کرتے ہیں بعض اوقات اکثر ہوتا ہے بلکہ لیکن یہ کچھ نیچر میں بھی میری ہے کہ اگر میں تھوڑا غصہ زیادہ کر جاتا ہوں تو میں ٹھنڈا بہت جلدی ہو جاتا ہوں میں رات سو کے اٹھوں گا یا تھوڑا نیپ لے کے اٹھوں گا تو میں بالکل ریفریش ہوں گا تو وہ زیادہ چیز زیادہ دیر میرے مائنڈ میں وہ چیز رہتی ہی نہیں ہے اگر آج نیچرلی ٹھیک ہو جاتے ہیں ایگزیکٹلی سو یو گیو یور سیلف ٹائم آئی گیو مائی سیلف ٹائم اینڈ آئی ہیو ویری یو نو ویری پازیٹیو سرکل پیپل ہو کیپ آن موٹیویٹنگ می اینڈ آلسو اپارٹ فرام مائی سوشل سرکل یوٹیوب پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ڈو یو واچ موٹیویشنل ویڈیوز الاٹ کس کو زیادہ سنتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کو بہت سنتا ہوں شیخ عاطف کو بہت سنتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتا ہوں میں تو آئی ہیو لائک 5 to 6 ویری فیوریٹ پیپل کہ میں جب بھی ڈاؤن ہوتا ہوں تو میں ان کو سنتا ہوں جن کی ویڈیوز میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں اینڈ اٹ پلیز اے ویری
पॉजिटिव रोल इन इट इन मोटिवेटिंग मी, क्योंकि मोटिवेशन आपको चाहिए होती है टू टेक द फर्स्ट स्टेप. आप डीमोटिवेटेड हो, यू नीड टू गेट सम मोटिवेशन टू टेक द नेक्स्ट फर्दर वन स्टेप, और उसके बाद सिलसिला चल जाता है. लेकिन जो पहला स्टेप है उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, इनफ मोटिवेशन. तो यूट्यूब प्लेज अ बिग रोल इन इट. थैंक यू यूट्यूब. इसी के साथ ये सेगमेंट एंड हुआ. मैं यहाँ लूँगी एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी भैया यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में, जहाँ हम बहुत कैजुअल और इनफॉर्मल बातें करेंगे अबाउट हिज लाइफ. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू कुछ नया सोच. हम हैं सजावल के साथ, इनसे बात करते हैं. फिर मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी. यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज अ गुड एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि मैं एक बोर्डिंग कॉलेज से पढ़ा था फ्रॉम चांद बाग स्कूल मुरीद के. तो बोर्डिंग के बाद एकदम इट्स नियर लाहौर, 20 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर. तो बोर्डिंग के बाद इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट टोटल कल्चरल चेंज आ गया. इट वॉज अ चैलेंज इन द स्टार्ट. देन आई फाउंड सम कल्चरल डिफरेंस. या क्योंकि हमारा बोर्डिंग का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है. वी हैड सो मच डाइवर्सिटी इन आवर हॉस्टल. तो वो हमारा सारा माइंड सेट डिवेलप कर देता है उस तरह का, हमारा आपस में जिस तरह की बॉन्डिंग होती है. तो फिर फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद इन अ यूनिवर्सिटी, इट वॉज अ चैलेंज इन अ सेंस लाइक पीपल वर डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट. सो आई वॉज एन extrovert in the beginning, then I फिर मैं भी इस्लामाबाद का बॉय बन गया यहाँ पे आकर. बर्गर बन गए काइंड ऑफ. लेबल्स लगे आपको? मेरे पे नहीं, लेबल्स ऐसा सच नहीं लगे कोई. सही. तो क्या एक चीज जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में से याद हो? यूनिवर्सिटी लाइफ में जो मुझे याद रहेंगे, मेरे टीचर्स मुझे याद रहेंगे हमेशा, अच्छे लोग वो भी हमेशा याद रहेंगे, और जो बुरे लोग मिले थे वो भी हमेशा याद रहेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई डिवेलपमेंट. उनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला, एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. कोई मेमोरी याद है आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में से? काफ़ी ज़्यादा याद है. GPA क्या था? मेरे वालिद साहब ने भी वीडियो देखनी होगी अभी. सो आई गॉट I had 3.7 CGPA till my fifth semester, but isse pehle tak. After that, when I started NERDWARE TECH or when I step into the industry, to uske baad GPA mein khasa ek farq aa gaya tha, aur wo farq abhi main filhal nahi bataunga. Yeah, maybe after 2-4 years. Aap nahi batana chahte. Exactly. Acha, mujhe ye bataein jo challenges aapne face kiye उसमें कौन सपोर्टिव था फिर आपको, जब आप एक नई एनवायरनमेंट में, आपके फ्रेंड सपोर्टिव थे, दोस्तियां बनी होंगी, कौन से लोग थे जो वाकई दोस्त थे, कौन से थे जो जो वाकई दोस्त थे और जिन्होंने वाकई सपोर्ट किया, जिनके साथ मेरा माइंडसेट मिला. दे आर माई पार्टनर्स नाउ, वी आर डूइंग बिजनेस टुगेदर, वी आर लिविंग टुगेदर. एंड बाकियों के साथ मेरी क्लास में कुछ ज़्यादा इंट्रैक्शन किसी के साथ भी नहीं थी. आई वॉज डिफरेंट, बड़ा एक लिमिटेड सा सर्कल था मेरा क्लास में, और इवन यूनिवर्सिटी में भी मेरी यूनिवर्सिटी से बाहर ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी. तो एक लिमिटेड से सर्कल में रह के, लेकिन उनके साथ जिस तरह का बॉन्ड है, दे आर मोर देन ब्रदर्स टू मी. सजावल, आप पैदा कहाँ, व्हेयर डिड यू ग्रो अप? आई वाज बोर्न इन चिन्योट, स्टडीड देयर नियर फैसलाबाद. अच्छा. स्टडीड देयर टिल माय फर्स्ट क्लास. Okay. And after that, I moved to Jhang City, where my father is doing business. I studied there till my matric. I did my matric from Jhang. I studied at Chenab College, and then I was moved to a boarding college for my FSC. वहाँ पे फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया. इट वॉज द बेस्ट एवर थिंग दैट एवर हैपेंड इन माई लाइफ. यू लाइक्ड बोर्डिंग स्कूल? आई लव्ड इट. Because I was not this Sajawal back when I entered boarding. So it changed you. It was a life change. Exactly. Experience. I think it was the best ever thing that can happen with me. Exactly. Hostel life. Yeah. पहले hostel life and the people who met me there. अच्छा. Yeah. इसी के साथ साथ I think show का वक्त भी खत्म हुआ. Thank you so much, Sajawal. Welcome. अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप कि आपको अल्लाह मजीद ऐसी कामयाबी दे. मैं एंड पे आपसे एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए. स्पेशली आई थिंक हमारी वहाँ बहुत डीमोटिवेटेड है, तो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि वो कुछ कर सकते हैं और बेहतरीन सोच के साथ किस तरह आगे बढ़ सकते हैं. आई ऑलवेज स्प्रेड दिस मैसेज दैट जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं.
ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट डीमोटिवेटेड बाय सीइंग समवन एल्सेस सक्सेस, बट वी डोंट रियलाइज दैट मे बी समवन इज ऑन द 10th स्टेयर एंड यू नो यू आर अबाउट टू take the first step. Yes. You know, your experience matters. Comparison nahi karna chahiye. Exactly, there is no competition. Yes. Everybody has his own lives, own dreams, own ambitions. Lekin hame compare nahi karna chahiye. Compare karke hum aksar demotivate ho jate hain. Hame inspiration leni chahiye. Lekin hame usse demotivation nahi leni chahiye. The message would be just believe in yourself. Bahut log honge aapko batane wale that you can't do it, that you are a loser, you are a failure, you can never do something. Bahut log honge aapko ye batane wale, bada bada kamal ka banda hai hamari society mein. The only message is just believe in yourself and the process, because nature has its own process of making someone successful. ठीक है, मेरा कोई और process था, आपका कोई और होगा. But you know, you in any condition, you need to trust that process, that whatever is going you are going through, it will take you somewhere and you will be successful one day. Just keeping in mind that you have that potential and every single person have that potential. Exactly. To be someone who really want, someone jo ke main chah raha hu ke main ban sakta hu, main wo ban sakta hu. Yes. Yeah. And viewers, aaj ka show hua khatam. Aaj ke show se maine ye conclude kiya ki all you need to do is stay focused or stay deaf to all the negativities, and that way aap positivity ke sath apna apni zindagi mein behtareen muqam par pahunch sakte hain. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.